अफगानिस्तान में बैठे तालिबानी बस अमेरिका की फौज के हटने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही फौज हटी पूरे अफगानिस्तान पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। भारत के अंदर भी कुछ तालिबानी बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मोदी और योगी हटे हम इनको मजा चखाएं। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, यदि आज हमने इन दोनों को खो दिया ना तो आने वाले 50 सालों के बाद छाती पीट कर रोने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। हमारी पीढ़ियां हमारी नस्लें हमको कोसेंगी कि हमने सिर्फ निजी हितों की पूर्ति के लिए इन दोनों का साथ नहीं दिया। मैं दोनों के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से इस देश के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के साथ खड़े हैं, भारत को उसका खोया हुआ गौरव खोया हुआ वैभव लौटाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई वंशवाद को लेकर काम नहीं कर रहे, ना ही कोई अपने बच्चों के नाम FDI कराई है, ना ही कोई रेस्टोरेंट खोले हैं, ना कोई इत्र की फैक्ट्रियां लगाई हैं कि जैसे ही सत्ता से हटेंगे अपने ऐसा आराम करेंगे मजे से रहेंगे। ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी औलादों के लिए नहीं बल्कि हमारी औलादों के लिए कर रहे हैं। अरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की माँ अगर 10x10 के कमरे में रहते हो और अगर आप फिर भी उनके ऊपर लांछन लगाते उनको गालियां देते हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपको तो चरण धोकर पीने चाहिए ऐसे इंसान के। और आज की वर्तमान स्थिति तो मेरे भाई ये कहती है कि हमें एकजुट होकर आंख बंद करके इन दोनों का साथ देना चाहिए और एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जो मेरे धर्म के साथ खड़ा है, मेरे देश के साथ खड़ा है, मेरे रामकृष्ण के साथ खड़ा है, मेरी गाय माता के साथ खड़ा है, उसका हमें साथ देना ही देना है। अरे जिसने राम मंदिर का 500 सालों का कलंक धो दिया, जिसने भारत माँ के सीने से 370 का खंजर निकाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, श्रीमती अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापित कर और अब नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण करके वह भारत को विश्वगुरु बनाने की राह पर निकल पड़ा है और फिर भी अगर आप उनका विरोध करते हो तो मेरे भाई बदकिस्मती है हम सब की है। अरे परमात्मा ऐसी विभूतियों को बड़ी कृपा करके भेजता है, धनुष बाण सुदर्शन चक्र तो उसे इमरजेंसी में उठाना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन दोनों का साथ दीजिए, ये भारत को बचाने आए हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने आए हैं। बस आपसे मेरी हाथ जुड़कर एक ही प्रार्थना है कि अपना हित पहचानिए, अपना हित पहचानने की आदत डालिए क्योंकि देश आज सुरक्षित हाथों में है और देश इन्हीं हाथों में रहना चाहिए। बस एक ही प्रार्थना ऊपर वाले से कि यदि चाय वाला जाए तो गाय वाला जाए। और अगर मेरी बातों से आप सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।